महासचिव रामगोपाल यादव के विवादित बयान की शिवपाल की पार्टी के नेता डॉक्टर विकास यादव ने निंदा की। चुनाव आयोग से रामगोपाल यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। होली के दिन सैफई में आयोजित होली मिलन समारोह में विवादित बयान देते हुए सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने पुलवामा अटैक पर चुनावी राजनीति करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चुनावी फायदे के लिए जवानों की हत्या करवाई गई। इस बयान के बाद पूरे देश में हलचल मचा हुआ है और रामगोपाल यादव के बयान की निंदा की जा रही है। हम मांग करते रहे कि हमें हवाई जहाज से भेज दीजिए, क्योंकि जम्मू से या तो हवाई जहाज से जाते हैं या पहली में जैसे ही घुसते हैं वहाँ जो पड़ाव है वहाँ से पत्थरबंद गाड़ियों में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में सीधी सर्किल बसों में भेज दिया गया। बख्तरबंद गाड़ी जहाँ मिलती थी वहाँ रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे। ये हमारे नौजवानों की जाने दिलवा दी वोट पाने के लिए, उसको वोट का इशू बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि शहीदों की लाशें आ रही थी और बीजेपी के नेता और एक पे तो हमारे पास वीडियो एडिट में मुख्यमंत्री उनके साथ बैठे हुए लोग हंस रहे थे, डेड बॉडी को बन रहे थे। इतनी शर्मनाक बात। तो इतने ये जो लोग हैं इतने मारी जा रही है। इसी बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव और शिवपाल यादव के करीबी डॉक्टर विकास यादव ने सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बयान की कड़ी निंदा करते हुए चुनाव आयोग से रामगोपाल यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ काम करने वाले डॉक्टर विकास यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनने के बाद शिवपाल यादव के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने देश के सैनिकों के बारे में इस तरह का निंदनीय बयान देते हुए ओछी राजनीति की है। उन्होंने कहा कि सेना किसी पार्टी, किसी सरकार या किसी नेता के लिए काम नहीं करती, सेना देश के लिए काम करती है, इसलिए सभी को सेना का सम्मान करना चाहिए और इस तरह के बयान से सेना और अर्धसैनिक बलों का मनोबल टूटता है। डॉक्टर विकास यादव ने चुनाव आयोग से इस मामले पर जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है। सुनिए समाजवादी नेता डॉक्टर विकास यादव का बयान। अनुभवी राजनेता है, उनका ये बयान सुनकर हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ कि ये तो मामला देश की एक रक्षा नीति से जुड़ा मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इस पर इस तरह की राजनीति करना और कम से कम इतने पुराने सांसद का करना निश्चित रूप से देश की दिशा में जा रहा है और खुद प्रोफेसर साहब किस मनस्थिति से गुजर रहे हैं ये इस बात का द्योतक है। मुझे तो लगता है कि इतनी ऊंची राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसकी जितनी निजाज की मांग करेंगे और जब देश में आचार संहिता लगी हो और हम चुनाव में जा रहे हों तो इस तरह की ऊंची राजनीति वाले बयान निश्चित रूप से निंदनीय है और इनकी जांच कराई जानी चाहिए। न केवल इससे जांच, ये जांच का विषय तो भाई है, साथ साथ ये जो है हमारे सैनिकों के मनोबल को तोड़ देने का विषय है। उन्होंने इतने पराक्रम का परिचय दिया, देश की रक्षा के लिए दिया, किसी पार्टी की रक्षा के लिए तो दिया नहीं। सेना तो देश की होती है ना, वो किसी सरकार की होती है ना किसी व्यक्ति की होती है ना किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए कार्य करती है। तो इसकी तो जाँच होनी चाहिए, निश्चित रूप से जाँच होनी चाहिए और चुनाव आयोग से मैं यही मांग करता हूँ कि उनके इस बयान की जो है वीडियोग्राफी कराई होगी वहाँ के निर्वाचन अधिकारी ने, इसकी वो जांच करें और इस पर आवश्यक कार्रवाई करें।